जगत मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य आपके कंठ में माँ सरस्वती की निवास है हमारे परम पूज्य मुरारी बापू जी महाराज, उनका सबके प्रति, सब समाज के प्रति, आप लोग के प्रति इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, जो कथा है रामायण की छोड़ के आज आपके बीच में पधारे हैं, कितना आप का सरल स्वभाव दे रहे हैं। हमारे मंच पर विराजमान पूज्य भेष भगवान खट दर्शन के सभी श्रीमान साहेबान महान साहेबान महामल्लेश्वरगण निर्माण मंडल भक्ति स्वरूपा माता बहनों एवं सज्जनों, आज हम लोग सब कुंभ मेला में एकत्रित हुए हैं। कुंभ किसको कहते हैं? कुंभ कलश को कहते हैं। कलश में क्या भरा जाता है? जल। जल कभी नहीं सोचता है जे कौन अमीर पी रहा है कि गरीब पी रहा है या कौन सा धर्म के लोग पी रहे हैं, तो जल सबके लिए होते हैं। तो आज गोदरी और फतेहपुर गांव पूरा राष्ट्र के लिए हो चुके हैं। और कुंभ मेला कहां पर होते हैं? माँ गंगा की गोद में, त्रिवेणी संगम जहां गंगा जमुना सरस्वती विराजमान है, माँ छिबरा की गोद में और माँ गोदावरी की गोद में। आज तो बापू पधार लिए तो यहाँ पर माँ गंगा भी है, माँ गोदावरी भी है, माँ सरस्वती भी है, माँ जमुना भी है, माँ नर्मदा भी है, सारी नदी आप यहाँ पधार चुके हैं। आज सबसे बड़ी बात कुंभ मेला का शब्द थोड़ा समझिए। आज यहाँ पर संत समाज भी मौजूद है, आपके बंजारा समाज, लवाना समाज, गौर समाज, नायक समाज भी यहाँ पर विराजमान है। और ये जिस इसको रूप रेखा दिया, जो श्रृंगार किया हमारे संघ के कार्यकर्ता शरद राव डोले जी, इनके लिए एक बार ताली बजाइए। इसने बहुत मेहनत किया है, समर्पित कर दिए हैं इसको सजाने में। और उसके साथ साथ इस संत समाज के बालक है, उसका नाम है रामेश्वर। दिन रात एक होके यहाँ पर मेहनत किया, किसके लिए? आप लोग के लिए, हम लोग के लिए, सब के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, जो समाज हमारे बिखरे ना। तो आज आप लोग यहाँ पर अन्नपूर्णा भी चल रहे हैं, इतने लाखों का भोजन चल रहे हैं, यहाँ सर माँ अन्नपूर्णा भी निवास कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहूँ, मैं आप लोग से बंजारा समाज से कह रहा हूँ, आप लोग हिंदू सनातन धर्म के थे है और रहेंगे। आप लोग को तो स्वयं देवों के लिए महादेव ने उत्पत्ति किया है। एक गौर नायक नाम किसने पदवी दिया? सर महादेव ने दिया है। आप महादेव के वंशज है, सर गुरु के साथ जुड़े रहे, गुरु नानक देव जी के साथ, तेग बहादुर जी के साथ, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में जितने भी आप लोगों ने संघर्ष किया हिंदू सनातन धर्म को बचाने के लिए, मुगलों के साथ आप लोगों ने लड़के हिंदू धर्म को आप लोगों ने बचाया, ये आपकी बलिदान है भारत देश के लिए। हमेशा आप लोग राष्ट्र के लिए संघर्ष किए, शुरू से, चाहे गुरु लोगों के साथ हो चाहे राष्ट्र के साथ हो, हमेशा संघर्ष किए। किसके लिए? सनातन धर्म को बचाना है। तो आप लोग सब सनातन धर्म के हैं, मैं जैसे पहले कहा, रहेंगे और हम लोग सब आपके हैं, कोई भेद नहीं है। सनातन क्या है? जो सदा से चले आ रहे हैं, सदा चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। मैं पुनः यहाँ पर जो पूरा बॉम्बे से, पुनः जलगांव से डॉक्टर लोग आए हैं, उनको भी इस कुंभ मेला में साधुवाद देता हूँ। सफाई कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। बिजली विभाग के लोग रात दिन लगे, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। हमारे पुलिस विभाग के 8,000 पुलिसकर्मी लगे हुए दिन रात, मैं उनको भी सेवा के लिए साधुवाद देता हूँ। जितने भी वॉलंटियर हैं,
सबको साधुवाद देता हूँ और हमारे भारत देश के हर स्टेट के बंजारा लवाना गौर नायक समाज आए उनको लिए भी तह दिल से साधुवाद देता हूँ। जब आप लोग यहाँ आए, आप लोग ने इतनी मेहनत करके आप लोग ने शोभा बढ़ाई, आप लोग आए तब ये कुंभ मेला सफल है। प्रोग्राम को करे अगर आप लोग नहीं आते तो कैसे सफल होता। तो सबसे ज्यादा मैं आप लोग को साधुवाद देता हूँ, आप लोगों ने बड़ी कृपा की है। आखिर में पुनः शरद राव ढोले जी को रामेश्वर जी को साधुवाद देता हूँ। बेटा ये तो तुमने अभी शुरुआत किया, तुम्हारे हाथ से तो अभी बड़े बड़े देश के लिए राष्ट्र के लिए कार्य कराते रहना। और जितने महापुरुष आए सबके चरणों में मेरा वंदन। पूज्य बापू जी के आगे मैं क्या करूँ, बापू जी के तो हम बालक हूँ, बापू जी का तो सुनना है, हम लोग तो सब श्रवण के लिए आया हूँ। आप लोग के लिए परम पिता परमेश्वर महादेव के चरणों में ही प्रार्थना करता हूँ, आप लोग के शरीर निरोग रहे, हमेशा परिवार में सुख शांति रहे। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद महाराज जी, आपकी वाणी सुनकर यह समाज कृतार्थ हो गया। कई दिनों से समाज में प्रश्न गूंज रहा है, गोदरी में खून क्यों? जब समुद्र मंथन हुआ अमृत कलश निकला, उस अमृत कलश से जहां बूंदे गिरी वहां पर कुंभ हुआ, जहां अमृत की बूंदे गिरी थी वहां कुंभ हुआ। प्रथम दिन ही गुरु शरणानंद जी महाराज ने कहा था, मैं आपके आपको दर्शन देने के लिए नहीं आया, मैं आपको आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। वो कुंभ हुआ था जहाँ अमृत की बूंदे गिरी, इसलिए वहां कुंभ हुआ था। और इस गोदरी में इन श्री राम जय राम जय जय राम।
good. Class meeting? Class, no, class, no. You two have it. Has, 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 has. Has? Has, 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 has. Class, very good, very good, very good. कई बार मुलाकात होती रही थोड़ा हंस बेटी थोड़ा थोड़ा हंस बेटी थोड़ा हंस हंस हंसो गुड सब का नाम तो नहीं ले पाऊंगा लेकिन सनातन धर्म की सेवा में अपने समग्र जीवन को समर्पित करने वाले गुरु विचार के सभी संतगण आज यहाँ उपस्थित है सभी के पूज्य चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ वंदन करता हूँ। आप सभी मेरे भाई बहन जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं आप सभी को भी मेरा प्रणाम और इस सनातन धर्म की सेवा में लगे हमारे युवक बाबू सिंह महाराज और अन्य पूरी टीम सभी को पर विद्वित क्षेत्र के जितने अग्रणी हम विराजमान हैं सभी को भी मेरा प्रणाम चिरपालन सनातन धर्म ले लो इसको सनातन धर्म क्यों कहते हैं कलयुग है इतिहास की बात अपने भगवान हरि की कोशिश कर रहे हैं धर्म की धारा को इतनी शताब्दी हुई है ये हुआ है ये हुआ है लेकिन ये सत्य नहीं क्योंकि हमारा जो धर्म है हमारी वैदिक परंपरा जो है हमारी संस्कृति जो है ये पुरातन नहीं है ये पहले भी सनातन थी आज भी सनातन है सनातन रहे इसलिए जैसे माला होती है 108 घंटे में माला हो हमारे सनातन धर्म की सभी शाखाएं फिर उदासीन हो वैरागी हो इंद्र हो सन्यासी हो इतनी शाखाएं हो और अपने अपने स्थान में बैठकर केवल सनातन धर्म में जो उदारता से हमें सिखाया है उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए सब शाखाएं जो सेवा में लगी है तो इस सनातन धर्म जो है इस माला का ये सभी निर्भीक संगठन निर्भीक साधना का ये सेवा करने का समझ है तब और क्या करके जन जन तक पहुंचने वाली सभी सनातन धर्म की संस्था है आज हम पलकर आप पलकर कहते हैं जो मलक सी महाराष्ट्र महाराष्ट्र ग्रामा पहला ये तो देश वाला देश वाला भाई भाई देश वाला ये तो नाम कई हेलो भाई शुभा कुशो स्टेट एमपी मध्य प्रदेश एमपी स्टेट मध्य प्रदेश तांडो कुशो तांडो तांडो डोंगरगांव डोंगरगांव कुशो चचा कई जवान सी कई राठौर सी कई समाज में तू कहीं कहती है एक मिनट ये समाज में कहीं कहती है आज समाज को ये करो कहीं कहती है समाज हमारे संस्कृति जीवित रह रहे हो ये यार बस में हाँ समाज कहीं जीवित रहने वाले अपना हिंदू समाज अब बस में हाँ सारी जन जन की वजह समाज की पहुंचा वेरी गुड तू राठौर में नहीं
ఉత్సవాన్ని బట్టి అఖ్యర్ తోనే పవార్ గారు వెరీ గుడ్ సుందర్ చేడితూ దాంట్లో రేఖ హిమవల్లి గారు చెప్పారని గారు తరంగా గారి